हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी सोनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू वेरी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, और रिक्वेस्टेड के साथ साथ ये वीडियो मुझे भी करने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो सच एज ब्रांड जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं उसके ऊपर, तो मुझे भी अंदर से था कि मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है और मुझे भी इसका देखना है ये कैसा वर्क करता है। तो फाइनली मैंने उसे मंगा लिया है, और मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो उसके लिए भी है। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए सीधे वीडियो पे आते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ के प्रोडक्ट, जो कि मैंने मंगा लिए हैं। बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, पर ना होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मैं नए नए ब्रांड चूज़ करने में थोड़ा सा डरती हूँ कि पता नहीं मेरे पर कैसे जाएंगे कैसे नहीं। पर मामा अर्थ के बारे में जितना भी मैंने सुना है, पढ़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड है, इंडिया का है, और इसके प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल नहीं होते हैं जैसा कि इसने दावा किया है। और मामा अर्थ का मैंने मंगाया था तो इस तरीके से कुछ खूबसूरत सी पैकिंग में आई थी, और यार पैकिंग देख के ही देखिए कितना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई टॉयज होगा, मतलब इतना ज़्यादा ही ज़्यादा क्यूट सा दिया हुआ है। वाइट में ऐसे ऐसे छोटे छोटे से करके कुछ कुछ इमेज बनाई गई हैं, लाइक एलिफेंट और स्नेक, मतलब प्रॉपर नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर्स की चीज़ें हैं, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मामा अर्थ। ये मेरे पास कल रिसीव हुआ है, तो चलिए इसे देखते हैं। मैंने इसे ओपन करके देखा हुआ था और अंदर से ये ऐसे है, मंगाए थे। एक है मामा अर्थ उपटन फेस मास्क, इसके बारे में भी बहुत सारे वीडियो बने हुए, सेपरेट वीडियो बने हुए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, तो मैंने उससे सुना था तो काफ़ी अच्छा लगा। और एक मंगाया है ये फेस वॉश, जो कि ऐसे रैप में ही करके आया, रैपर में ही करके आया था, इस तरीके से रैपर दिया गया है। और बहुत सी चीज़ों में बबल रैपिंग होती है, बट मैंने अभी तक का ना, मैंने जितने भी प्रोडक्ट मंगाए हैं ऑनलाइन और बहुत सारे मंगाए हैं, पर मुझे इस टाइप की पैकेजिंग वाला अभी नहीं मिला। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि ऐसी वाली पैकेजिंग में मुझे मिला है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है। और इसके अंदर ये, क्योंकि मैंने मामा अर्थ की मतलब ऐप से ही मंगाया है सारी चीज़ें, तो उनके तरफ से भी एक बिल है जितने के सामान था वो, और फिर ऊपर से भी एक बिल दिया गया है इस तरीके से। तो गाइज, मैंने अभी इसे यूज़ नहीं किया है, मेरे भाई ने यूज़ किया है ये फेस वॉश, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। चलिए वन बाय वन प्रोडक्ट को जानते हैं कैसा है, इसमें क्या मिला है। तो मैंने दो चीज़ें मंगाई हैं, पहला है ये है मामा अर्थ का चारकोल फेस वॉश विद एक्टिवेटेड चारकोल एंड कॉफ़ी। आप सब जानते हैं कि फेस में चारकोल का क्या काम होता है, जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ होती है उसको निकालती है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स में बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट होती है, और कॉफ़ी के भी अगेन स्किन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और इसमें लिखा है फॉर ऑयल कंट्रोल, तो जैसे कि अब समर पे हम लोग टर्न कर रहे हैं तो स्वेटिंग बहुत होती है, फेस पे बहुत स्वेटिंग होती है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और जैसे कि मामा अर्थ बोलते हैं कि पैराबिन और सल्फेट फ्री है, मतलब केमिकल इसमें नहीं मिलाए गए हैं, और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी कि स्किन के में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है, ये एक होता है स्किन साइंस होता है, जो कि हमारे स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको, तो जब अगर कोई प्रोडक्ट वहाँ से टेस्टेड होकर आया है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजी से टेस्टेड है तो वो ट्रस्ट के लायक होता है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है, और फॉर ऑयली स्किन के लिए है, मतलब कि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है, और अदर भी लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी ड्राई टू मीडियम स्किन है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इतनी बड़ी पैकेजिंग में ये मुझे आया है 100 ml का, तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, 2 से 3 महीने अगर सिंगल आप यूज़ करते हो तो 2 से 3 महीने चल जाएगा। और भी कुछ इसने क्लेम किया हुआ है, नेचुरली इंग्रेडिएंट है, पॉल्यूशन प्रोटेक्टेड, अनक्लॉज पोर्सेज, मतलब ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बना हुआ है, और जो हमारे ओपन पोर्स है उसके लिए श्रिंक करने के लिए है, पॉपुलेशन प्रोटेक्शन है, और डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, पीएच बैलेंस्ड है, मतलब जैसा फेस की स्किन होती है जितना फेस का पीएच होता है, समझते होंगे आपकी बॉडी के हर पार्ट का पीएच लेवल अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोप और दुनिया चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो ये फेस के पीएच बैलेंस के हिसाब से बनाया गया, और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट भी दिए गए हैं, लाइक एक्वा सोडियम और कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, ग्लिसरीन है, सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्सी है, IFRA सर्टिफिकेट है, और फ्रेगरेंस इसमें ज़्यादा नहीं, मतलब इसमें फ्रेगरेंस कोई नहीं है, फ्री ऑफ फ्रेगरेंस, क्योंकि यार केमिकल नहीं, तो फ्रेगरेंस की जो नेचुरल फ्रेगरेंस होती है उतनी ही है इसमें। और इसमें यूजेस बताया गया है कि अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट, एक्चुअली मैं बता दूँ ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा जेल और लिक्विडी फॉर्म में, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से खोल दूँ तो ये बहना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत लिक्विड फॉर्म है, और
इसका बहुत ही स्मॉल पोर्शन आपको लेना है और वेट स्किन पे पहला फेस वॉश कर लीजिए, फिर इसे लेके अच्छे से अपना फेस को क्लीन कीजिए और अगेन वॉश कर दीजिए, हल्की सी मसाज देते हुए इसे साफ़ करना है। सारे फेस वॉश में यही होता है कि क्लीन तो वैसे ही की जाती है और फोरहेड पे, नोज़, चिन, और फिर पानी से इसे वॉश कीजिए और अपना फेस को ड्राई कीजिए। और इसको इसमें दिया हुआ है कि अवॉइड डायरेक्ट बाय आइज़ कॉन्टैक्ट, मतलब इसे आँखों के आसपास नहीं लगाना है। तो कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं ना जो अपने आइज़ को इरिटेट कर सकते हैं, जब हम लोग फेस जो होममेड फेस पैक बनाते हैं उसमें भी हम लोग अपने आई एरिया छोड़ देते हैं और बाकी ओवरऑल फेस में लगाते हैं, तो वैसे कुछ इसमें भी है। तो गाइज़ मुझे अभी तक तो ये बहुत ठीक वाली चीज़ लग रही है, भैया ने यूज़ किया है तो मैं ऑनेस्टली भी बताऊँ कि भैया ने यूज़ किया है, भैया से कल शाम को यूज़ किया था और आज मॉर्निंग में यूज़ किया, तो उन्हें थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है, जैसे क्लीन लगता है ना, चारकोल स्किन की सारी डर्ट्स को साफ़ करता है और भैया जॉब भी बाहर करते हैं, तो जब उन्होंने कल फेस वॉश किया तो उनके फेस वॉश करने के बाद उनकी स्किन बहुत क्लीन लग रही थी, तो मुझे हुआ कि नहीं आपको साथ ये तो शेयर करना ही करना है, रिक्वेस्टेड भी था तो शेयर तो करना ही था। तो मैं अभी यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि क्या फ़र्क पड़ता है। और ये गाइस मिला था, एक मिनट, मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने साथ में मंगाया था दोनों, तो ये मुझे मिला है। ये फेस वॉश थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है अदर से, तो ये फेस वॉश है 249 रुपीज़ का, पर मतलब नेचुरल चीज़ें हैं तो लेना तो बनता था, और इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी ज़्यादा इसकी बातें होती हैं, तो ऑफकोर्स मुझे भी ट्राई करना था ये चीज़, तो देखते हैं कैसा है अभी। तो चलिए दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं जो कि है मामा अर्थ उपटन फेस मास्क। ये भी अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसकी इसका मैंने खोल के अंदर से देखा था, इसकी फ्रेग्रेंस लाइक जैसे हम लोग घर पे उपटन ही बनाते हैं उस टाइप का है। तो ये है, ये 100 ग्राम का है सैसे, तो इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, इसमें लिखा हुआ है मामा अर्थ उपटन फेस मास्क विद टर्मरिक सैफ्रन एप्रिकॉट ऑयल। तो इसमें आपको आपकी जो नेचुरल वाइल्ड हल्दी होती है वो मिली हुई है, सैफ्रन है और एप्रिकॉट ऑयल पड़ा हुआ फॉर स्किन ब्राइटनिंग। ये क्लेम करते हैं कि इसको यूज़ करने से स्किन ब्राइट होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्किन ब्राइट नहीं होती, आपका जो नेचुरल कलर होता है वो आपका रहता ही रहता है, पर क्या होता है ना अगर हम अपनी स्किन का ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे धूप में आ रहे हैं जा रहे हैं, डर्ट वो बैठती जाती है, जब स्किन का केयर करने लगते हैं ना तो हम कोई बहुत गोरे नहीं हो जाते या फिर फेयर नहीं होते, लेकिन जो हमारा कलर होता है एटलीस्ट मुझे वो हम लोगों को वो मिल पाता है। केसर ये सारे आप जानते हो कि अगर केसर को दूध में डाल के फेस पैक लगाओ, काफ़ी सारी ऐसी डीआईवाइज़ हैं जो स्किन ब्राइटनिंग को प्रमोट करती हैं, तो इसमें भी वो चीज़ है, तो इतना तो है कि थोड़ा बहुत लाइट अप तो करेगा। तो इसमें भी अगेन वही लिखा हुआ है, पैराबेन सिलिकॉन फ्री है ये, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है विद बायोएक्टिव। बायोएक्टिव आप जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है, और बायोएक्टिव का इंटेक भी लेना चाहिए, मतलब जैसे दही के ज़रिए ये सब चीज़ें बॉडी को अंदर से क्लीन करती हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट तो अभी तो बहुत अच्छे हैं, और इसके और भी चीज़ें हैं जैसे कि इसमें एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, कोकुम बटर पड़ा हुआ है, ग्लिसरीन है, ऑलिव ऑयल है, और ग्लिसरीन एसिड है, और अगेन बहुत सारे इसमें चीज़ें मिलाई गई हैं, और ये भी फ्री ऑफ फ्रेग्रेंस है। इन केस द कॉन्टेक्ट विद आइज राइज इरिटेटिंग थोड अनलाइकली इन केस ऑफ रेज और इरिटेशन और योर स्किन डिसकंटिन्यू यूज़। कीप आउट द रीच ऑफ चिल्ड्रन, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, डू नॉट फ्रीज, कीप अवे फ्रॉम हीट एंड डायरेक्टली सनलाइट। इसमें दिया हुआ है, इसको यूजेस दी गई हैं कि अगर आपका लगाते समय आपकी आईज इरिटेट करे या फिर आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन हो, रैसेस हो, तो आप इसे तुरंत ही लगाना वहाँ पे बंद कर दीजिए, और इसे अपने बच्चों की पहुँच से दूर रखिए और ड्राई और डार्क प्लेस पे रखिए, लेकिन आप इसको फ्रिज में नहीं रख सकते हैं और इसको डायरेक्टली हीट सन हीट पे नहीं लगाते। और वैसे बता आपको अगर आप नॉर्मल भी कोई फेस पैक लगा रहे हो तो उसको लगाने के बाद धूप में नहीं जाना चाहिए, कोशिश करो आपका जो धूप का काम है वो हो जाए, फिर आप घर पे आकर कूल डाउन हो जाओ, फिर अपना फेस मास्क लगा लो तो ज़्यादा सही रहता है। और इसमें ना इसमें डायरेक्शन ऑफ यूजेस क्या लिखे हुए हैं, वॉश योर फेस विद अ सल्फेट फ्री पैराबीन फेस वॉश। इसका उपटन फेस वॉश भी आता है तो उसमें लिखा है उससे फेस वॉश कीजिए, पर मेन रीज़न तो ये है कि ना फेस क्लीन होना चाहिए। और इसमें लिखा हो, टैब योर फेस ड्राई, अप्लाई अ जेनुअस लेयर ऑफ फेस मास्क ऑन क्लीन फेस नेक। इसमें लिखा हुआ है कि अच्छे से फेस को अपना ड्राई अप कर लो, फिर उसके बाद इसकी एक अच्छी सी लेयर लगाओ और फेस पे और नेक पे लगाओ और 15 मिनट तक रखो, और क्योंकि इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, एप्रिकॉट ऑयल पड़ा, तो ये पूरा ड्राई नहीं होगा, तो क्योंकि ऑयल की वजह से वो इतना ड्राइनेस नहीं देगा, तो आप 15 मिनट के बाद उसके हल्के हाथों से अपने इसको स्क्रबिंग करते हुए इसे वॉश आउट करना है, और बेस्ट रिजल्ट के लिए ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में दो बार इसे यूज़ कर सकते हैं। और इन्होंने कुछ अदर टिप दी हुई है स्किन ब्राइटनिंग के ऊपर, तो चलिए उसे पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है, टिप फॉर ब्राइट एंड रेडियंस स्किन,
फॉलो द रूल 8 to 8 hours की स्लीप प्लस 8 glasses और वाटर एवरी डे दिस कैन वर्क वंडर फॉर योर स्किन. गाइज इन्होंने बोला है कि 8-8 का रूल अपनाओ और अगर ये आप करते भी हो ना तो आपकी नेचुरल स्किन ही इतनी ज़्यादा ग्लो हो जाएगी, इतना आपको खुद फ़र्क मिलेगा विद इन अ 1 week. आई प्रॉमिस विद इन अ 1 week आपको ये फ़र्क मिलेगा कि आप 8 घंटे की नींद लो, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लो और दिन में कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 8 glasses पानी पियो. फिर आप फील करोगे कि मुझे किसी भी स्क्रब और किसी भी सोप किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा नेचुरल स्किन खुद इतना अच्छा है, इतनी बॉडी क्लीन, स्किन ब्राइटनिंग लगेगी कि आपको फिर और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये भी यही चीज़ बोल रहे हैं और कह रहे हैं टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी लेमन मसाज ऑन योर फेस, लीव इट 10 minutes एंड वॉश इट विद अ लुकवॉर्म वाटर. तो जैसे कि आप हनी को जानते हैं, हनी एक नेचुरल ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट होता है और लेमन हमारी डर्ट्स को हटाता है. तो ये मैं बहुत करती हूँ, जैसे मैं जब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ स्किन के लिए और बहुत ही ज़्यादा हूज डे रहता है, बहुत ही बिजी डे रहता है, तो मैं मॉर्निंग में जब अपने घर के काम करती हूँ तो उससे पहले हनी में 2-3 drops लेमन को स्क्वीज़ करके और अपने फेस और नेक पे लगा लेती हूँ. और जब तक मैं अपना काम करती हूँ मेरा जो फेस पैक है वो अपना काम करता रहता है. और फिर उससे हल्के गुनगुने पानी से या नॉर्मल पानी से भी आप उसको, मतलब ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल जो पानी टैप में आता है उससे आप वॉश कर दो, वो भी एक बहुत ही ऐसा तुरंत ग्लो वाला काम देता है कि आपने लगाया तो आपको खुद फील होगा कि यार अभी से अभी डल स्किन है, थोड़ी देर के बाद ठीक लग रही है. तो नेचुरल चीज़ें हो गई और ये मैं यूज़ भी करती हूँ. और ये बोल रहे हैं यूज़ अ सनक्रीम विद अ SPF 50+, ब्लॉक द हार्मफुल UVA एंड UVB रेज वेन गोइंग आउट. अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप अपनी सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करो, कम से कम आपके पास सनस्क्रीन 15+ होनी चाहिए. वैसे इंडिया में जितना सन का टेम्परेचर होता है तो आपको 25-35 इस रेंज तक लेनी चाहिए, अंडर 50. तो मेरे पास जो सनस्क्रीन है वो गुड वाइब्स की है, वो 50+ है. तो अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर नहीं जा रहे हो तो घर पे भी यूज़ करना चाहिए. अगर बाहर जा रहे हो तो बाहर जाने से पहले 15 मिनट पहले आप अपनी सनस्क्रीन को अच्छे से लगा लो और ख़ुद को भी अच्छे से कवर कर लो ताकि जो सन की बैड रेज होती है यानी कि UV और UVA तो वो आपको डायरेक्टली नहीं लगेगी, आप स्किन ग्लो करती रहेगी. तो इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं और अगर आपको इन्हीं चीज़ों को यूज़ करोगे और उसके साथ अगर ये फेस पैक लगाओगे, यू मस्ट बी, अगर आपके घर पे शादी है, आपको किसी फंक्शन को अटेंड करना है और आपको खुद को बहुत लो फील कर रहे हो कि यार स्किन अच्छी नहीं है या बहुत सारे दाने हैं कुछ भी है, तो ये और इनकी टिप आप ज़रूर यूज़ करिए. तो मैं अभी इसका ट्राई ऑन भी आपको दिखाऊंगी. तो इसमें बस और पीछे सारे रेट वगैरह है और ये मिला है 499 का, लिटिल कॉस्टली क्योंकि 500 रुपये में एक फेस पैक. लेकिन अगर आप इनके इंग्रेडिएंट को समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर मैं इसे घर पे बनाती ना तो मेरा 2-2.5 हज़ार रुपये लग जाता. जितने सारे इन्होंने इंग्रेडिएंट्स मिलाए हुए हैं, सैफ्रन मिलाए हुए हैं, सैफ्रन का रेंज कितना होता है, सैफ्रन मिलाया है इन्होंने, एप्रिकॉट ऑयल मिलाया जो हमको इजिली मिल भी नहीं सकता, और टर्मरिक है और बहुत सारे बायो एक्टिव हैं और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिसमें मिली हुई हैं. तो ठीक है, आप इसको लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो और अगर अपने आसपास कोई फंक्शन में आपको अटेंड करना है, घर पे शादी है कुछ भी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो. इनर पैकिंग में ये इस तरीके से कंटेनर में आती है और इसमें भी वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सब कुछ जो कि बॉक्स में इसकी आउटर पैकेजिंग में थी और अंदर से ऐसे लॉक्ड है क्योंकि ये पूरी जैसे हम लोग घर पर ओपनर बनाते हैं ना, ये उस फॉर्म में ही आई है. और ये इसमें गाइस क्ले भी मिला हुआ है, क्ले मतलब मिल्टानी मिट्टी. तो इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम लोग अगर कलेक्ट करने में लगेंगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा. और दूसरी चीज़ DIY करने के लिए वो लोग ज़्यादा बेस्ट होते हैं जो घर पर रहते हैं, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, उन्होंने घर से चीज़ें ली, लगाया, छोड़ा. और गाइस जानती हो जैसे कि लॉकडाउन खुल गया है, सबको ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि सारी चीज़ें कलेक्ट करे, फिर उसका पैक बनाए, फिर वो लगाए. तो कुछ लोग सिर्फ इस रीज़न की वजह से अपने स्किन को ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए ये बेस्ट है. बहुत सी गर्ल्स हैं जिन्होंने हॉस्टल शिफ्ट कर गई हैं तो हॉस्टल में इतनी सारी चीज़ें होना पॉसिबल नहीं रहता है, तो उनके लिए भी ये मस्ट बाय है. बस इस यूज़ है ये, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं. सारी चीज़ें होममेड चीज़ें हैं जैसे हम लोग घर पर पैक बनाते हैं, बल्कि उससे भी 1000 times बेटर बनाया गया है ये, तो वो आराम से खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं. और इसमें कोई वो नहीं है कि बॉयज़ नहीं लगा सकते हैं, बॉयज़ भी लगा सकते हैं. मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं, गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्किन तो सबकी वैसी ही रहती है ना. तो चलिए मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये है कैसा. तो मैं पहले जा रही हूँ फेस वॉश करने. नहीं, मैं आपके साथ ही करूँगी, मैं आपके सामने ही करूँगी. तो चलिए अपने हेयर को टक इन कर लें. फेस पे मेकअप कर रखा है और जब अगर आप फेस वॉश कर रहे हो तो मेकअप को पहले रिमूव करो. जब आपने मेकअप किया होता है तो आपको 2 times वॉश चाहिए होता है, एक टाइम मेकअप रिमूवर से करिए और दूसरी बार फेस वॉश कीजिए, तब जाके फेस क्लीन होता है. तो मैं भी अपना ऐसे ही करती हूँ, लेकिन आज मैं डायरेक्टली इसके साथ करने वाली. मैं देखूँ तो इसमें जब डर्ट को बोल रहा है कि हटा देगा तो मेकअप भी हटता है कि नहीं हटता, ऑफकोर्स हट ही जाएगा. तो मैं अपना फेस वेट करती हूँ, फिर से यूज़ करती हूँ.
ये देखिए कितना ज़्यादा लिक्विडी है, और बहुत ही थोड़ा सा चाहिए। और इसे ना अगर ऐसे करके आप निकालोगे तो आपका बहुत सारा ये प्रोडक्ट निकल आएगा। तो कोशिश करिए उसको खड़े पे ऐसे रखिए, और जब यूज़ करना हो तो बस हल्का करना हो, वो भी बता पुश नहीं करना क्योंकि बहुत लिक्विड फॉर्म में है, तो ये ऑटोमेटिक ही निकलेगा। और मैंने यहाँ पे लिया है इतना सा, तो मैं इसे वॉश करके आती हूँ। फ्रेंड मैंने अपना मेकअप के साथ इसे फेस वॉश किया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने इसे मेकअप, चलो जूम करके, इस मैंने इसको मेकअप के साथ करा है। और देखिए मैंने अपने आईज़ मेकअप को भी रिमूव कर दिया, उससे नहीं किया, अलग ऑयल से किया है। और गाइस बहुत ज़्यादा स्मूथ सा लग रहा है, एक फेस वॉश करने के बाद जो ड्राई स्किन वालों की प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन बहुत खिंची खिंची सी रहती है, ऐसा फेस नहीं हो, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैंने अपने फेस वॉश किया हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रही है मुझे अपनी स्किन, आप बताइए आपको देखिए कैसी लग रही है, क्लीन लग रही है? क्योंकि ऑफकोर्स गोरा तो कोई नहीं होगा, लेकिन क्लीन लग रही है कि नहीं लग रही है? क्योंकि मुझे तो ऐसे फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन और स्मूथ सा फील आ रहा है। तो गाइस ये मस्ट बाय है, अगर आप मेरी बात माने तो ये मस्ट बाय है ट्राई के लिए, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप बाहर ट्रैवल करते हैं, ऐसा कोई काम ज़्यादा होता है जिसमें आपके फेस में डर्ट बैठने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और बिल्कुल भी स्किन खिंची खिंची से नहीं हो रही, जैसे तुरंत मॉइस्चराइज़र लगाओ ऐसा नहीं हो रहा, तो अच्छा है। फेस वॉश कर लिया है तो अब मैं इस पैक को ट्राई करूँगी, तो देखते हैं इसका कैसे क्या है रिज़ल्ट। तो ये बहुत ही टाइट कंटेनर में से करके दिया है, तो चलिए इसको लगाते हैं। इसमें इस तरीके से एक स्ट्रिपलर रहती है जिसकी हेल्प से अपना फेस पैक लगा सकते हो। मैं बताऊँ, मैं इसे, मैं जब फेस पैक लगाती हूँ ना, मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से लगाती हूँ, मुझसे उससे ज़्यादा लगता है कम्फर्टेबली। लेकिन हर चीज़ को यूज़ करना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो अच्छे से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और ट्राई कीजिए न्यू थिंग्स। ये हो गया आज का ज्ञान। आजकल ना मैं मोटिवेशन वीडियो ज़्यादा सुन रही हूँ ना, तो वही चल रहा है दिमाग में भी। मैं हाँ फेस में तो इसी से ट्राई करूँगी, आखिर ये चीज़ दी गई है तो यूज़ करते ही होंगे सब लोग। और ये पता है, जो चीज़ नेचुरली होती है ना ऑलवेज़, वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। मतलब कि जैसे कि नेचुरल कोई प्रोडक्ट हो या कोई चीज़, आपकी फिंगर्स है ना, वो ब्लेंडिंग की और अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनी गई है, और उसको एडजस्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए हाफ फेस में लग गया, और हाफ में लगाती हूँ फिंगर से। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं इसकी हेल्प से लगा पाऊँ, कुछ न्यू ट्राई कर पाऊँ। ये हल्का सा मुझे हल्का सा बर्निंग फील कर रहा है, आई थिंक इनके इंग्रेडिएंट्स की वजह से। मुझे ज़्यादा होगा तो मैं इसे रिमूव कर दूँगी, पर अभी हल्का हो रहा है। और क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ नेचुरल प्रोडक्ट, तो मुझे पता है कि नेचुरली चीज़ें हल्की सी इरिटेशन देती हैं स्टार्टिंग में, अगर उसके फर्स्ट डे आप यूज़ कर रहे हो तो। मैं पूरी भूत लग रही हूँ, पर उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं नेक एरिया में अभी नहीं लगा रही हूँ कि मैंने माइक अटैच किया हुआ है, तो कहीं मेरा माइक ना ख़राब हो जाए, तो मैं अपने ओनली फेस पे लगा रही हूँ। मामा जानते हो जैसे कि एक इंडियन ब्रांड है, और इसकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो शायद मोस्टली लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता मैं बता दूँ कि मामा से जब आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हो तो वो आपके नाम का एक प्लांट लगाते हैं, विद इन लोकेशन वो सेंड करते हैं कि आपका प्लांट किस चीज़ का लगा हुआ है और किस लोकेशन में लगा हुआ है। तो ये भैया ने ऑर्डर किया था, ये दोनों चीज़ें तो उन्होंने ऑर्डर की थी, तो उनके पास मैसेज आया कि आपका जो ये प्लांट है वो भैया का लेमन प्लांट था और वो उस लोकेशन पे लगा हुआ है। तो देखा जाए तो एक तरीके से आप नेचुरल चीज़ें यूज़ तो कर ही रहे हो, साथ साथ आप एनवायरनमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब तक का काफ़ी सारे लोग इसे यूज़ कर चुके हैं और उनके नाम के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो गाइस 15 मिनट हो गया है, और देखिए ये अभी भी प्रॉपर ड्राई नहीं हुआ है, बल्कि मैंने बहुत ही इक्वल लेयर लगाई थी जिसे स्क्रबिंग करते हुए हटाना है, तो वैसे वॉश करके फिर। सो गाइस मैंने फेस वॉश कर लिया, थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि इवनिंग के टाइम पे मैं कर रही हूँ,
ये वीडियो शूट, तो इस समय शाम को लाइटें वगैरह जल गई हैं और मैंने अभी रिंग लाइट भी लगाई हुई है। देखिए मैंने अभी फेस वॉश किया है और मेरा सारा मेकअप जो था वो सब उतर चुका है। मैंने अभी सिर्फ नेचुरली लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। और गाइस देखिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा वाला अच्छा लगा है। जैसे आप घर पे उबटन लगाते हो और उसके बाद स्किन ग्लो करती है, उससे 10 times ज़्यादा मुझे फ़र्क दे रही है। बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत चिकनी चिकनी लग रही है, मेकअप की ऐसे लग रहा कोई नीड नहीं है अभी मेरे फेस पे, और बहुत ही ज़्यादा क्लीन टाइप का लग रहा है। गाइस यहाँ पे मैंने अपना उबटन लगा लिया है और स्किन वॉज सो सॉफ्ट। जब स्किन के संग कुछ अच्छा करते हो ना तो वो खुश हो जाती है, वैसे ही वाला लग रहा है फेस पे ग्लो, और बहुत अच्छा है। अगर इसे वीक में 2 बार यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स इसमें रिजल्ट मिलेंगे। और फ्रेंड मैंने भी कोई मॉइस्चराइज़र भी नहीं किया हुआ, कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक मॉइस्चराइज मेरी स्किन लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग ग्लोइंग सा लग रहा है। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और अपने दोस्त को भेजिए, अगर वो मामाअर्थ की सीरीज़ लेना चाहते हैं तो मस्ट बाय मस्ट, मेरी तरफ से बिग येस है, आप ज़रूर लीजिए, यूज़ कीजिए। और मैं क्या बताऊँ, मुझे तो अपनी स्किन से अपने फेस से ग्लो देख के बहुत ज़्यादा वाली अच्छी वाली खुशी हो रही है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। और वीडियो को ख़त्म होने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। बाय बाय।